आज मैं आपको COVID-19 टीका लगवाने की पूरी प्रोसेस और शेड्यूल बुक करने के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, उस पर सर्च कर लेंगे कोविन। जैसे ही पहला इंटरफेस आता है, वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन आएगा, वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे OTP आएगा, OTP एंटर करने के बाद आप आगे पेज की तरफ बढ़ जाएगा। वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और ये इंटरफेस खुल के आएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे लिख के आएगा प्लस ऐड मेंबर। ऐड मेंबर के लिए हमको अपना आधार कार्ड चाहिए होगा। फोटो आईडी कार्ड पे क्लिक करके आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे और आधार नंबर जो 12 अंकों का होता है वो हम डाल देंगे। नीचे जो आधार पे सेम नाम लिखा है वही नाम हम वहाँ पे लिख देंगे। मेल या फीमेल जो भी है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो आधार कार्ड में उम्र लिखी हुई है वो डाल के ऐड कर देंगे और हमारा रजिस्ट्रेशन देखिए पूरा हो गया। उसके बाद बारी आएगी स्लॉट बुक करने की, तो हम अपनी लिस्ट में स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पे जो नाम हमने ऐड किया है उस पे जाके नीचे एक शेड्यूल का ऑप्शन आएगा, शेड्यूल पे क्लिक कर देंगे और सर्च बाय पिन, सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे अपना एरिया का पिन कोड डाल के सर्च कर लेंगे और वहाँ पे अपने इलाके जहाँ जहाँ का पिन कोड मैच करता होगा वहाँ का देख लेंगे। जैसे कि मेरा फरदान CHC आ रहा है तो वहाँ पे मैंने वो डाल के सिलेक्ट कर लिया। देखिए अब आपके सामने मेरा स्लॉट बुक हो गया। तो डाउनलोड वाली फाइल, डाउनलोड पे क्लिक करके हमने एक फाइल डाउनलोड कर लेंगे जो हमको अस्पताल में दिखाने के काम आएगी। ये देखिए मेरी एक फ़ाइल जो है डाउनलोड हो गई है। इसी को ले जाकर हम अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में दिखा सकते हैं, जिससे हमारा टीकाकरण जल्दी हो जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।